ओके वेलकम टू ऑल वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बीन्स आज के इस थ्री डिमेंशन मैट्रिक लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्लिप की आ, इस रिजल्ट के साथ एंगल बिटवीन एनी टू डाइगनल ऑफ ए क्यूब इज कॉस इन वर्स वन बाई वन बाई थ्री कि जो एंगल बनता है बिटवीन एनी टू डाइगनल्स क्यूब के डाइंगल के बीच में जो एंगल बनता है वो कॉस इन वर्स वन बाई थ्री के इक्वल होता है और एंगल बिटवीन द डायगनल ऑफ ए क्यूब एंड द डायगनल ऑफ़ द फेसिस ऑफ द क्यूब इज़ कॉस इन वर्स अंडू टू बाई थ्री और एक ये हमने कल वाले लेक्चर में भी किया था इफ द स्टेट लाइन मेक्स एंगल एल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगनल ऑफ ए क्यूब देन कॉस के एल्फा कॉस केर बीटा कॉस केर गामा इज इक्वल टू फोर बाय थ्री एंड नंबर फोर है इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए लाइन देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल एम एन वन अपॉन थ्री रूट थ्री है वन अपॉन थ्री रूट थ्री है चलिए एम सी करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम एम सी करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हेयर इज द फर्स्ट वन द रेशो द रेशो इन विच द रेशो इन विच

टू रेशो थ्री थ्री रेशो टू माइनस टू रेशो थ्री और डी ऑप्शन है फोर रेशो थ्री माइनस थ्री फोर रेशो माइनस थ्री कि रेशो हमने बतानी है इन विच द लाइन ज्वाइनिंग बाय टू एंड फाइव तो एक पॉइंट हो गया टू फोर फाइव और दूसरा थ्री फाइव माइनस नाइन लेट द रेशो भी के रेशो वन सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है ठीक है जी सो so, इसको C पॉइंट मान ले तो C हमारे पास आता है थ्री के प्लस टू अपॉन के प्लस वन और फाइव के प्लस फोर अपॉन के प्लस वन और उसके बाद है माइनस नाइन के प्लस वन प्लस फाइव अपॉन के प्लस वन ठीक है जी अभी ये जो रेशो है लाइन सेगमेंट की ज्वाइनिंग इज डिवाइडेड बाय द yz एंड प्लेन इट मीन्स अगर ये वाई जेड प्लेन को डिवाइड करता है ठीक है जी इट मीन्स ये वाई ओ जेड प्लेन बनेगा मस लाइज इन द वाई जेड प्लेन सो देर फोर एक्स हमारे पास जीरो होगा यानी कि थ्री के प्लस टू अपॉन के प्लस वन की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी सो थ्री के प्लस टू हमारे पास जीरो के इक्वल होगा और थ्री के माइनस टू और के की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री सो so, रेशो uh, हमारे पास बनेगी रेशो माइनस टू बाई थ्री रेशो वन इट इम्प्लाइज माइनस टू रेशो थ्री माइनस टू रेशो थ्री सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम सी इज़ द राइट ऑप्शन ठीक है जी फिर से हम समझ लें कि रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द वाई जेग अगर मान लो एक्स वाई प्लेन होता तो Z को जीरो मानना था ठीक है जी अगर x z होता तो y वाले को हमने ज़ीरो मानना था तो हमने जो रेशियो है वो y वाली वैल्यू से निकाल लेनी थी ठीक है जी सारे तीनों, की तीनों के तीनों केसेस आपको बता दिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल द एंगल बिटवीन बिटवीन ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिटवीन द प्लेन प्लेन्स की हमें इक्वेशन ये दे रखी है टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज एकल टू सिक्स एंड x प्लस वाई प्लस टू इज एकल टू सेवन हमने ये बताना है कि इसमें कौन सा एंगल बनता है जी ये ये एंगल बिटवीन द प्लेन्स सो एंगल बिटवीन द प्लेन हमारे पास कॉस थीटा होता है ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू सो टू इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू वन प्लस वन इंटू टू अपॉन टू स्केयर प्लस माइनस वन स्केयर प्लस वन स्केयर और अनूट में यहाँ पे वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर प्लस टू स्केयर सो कॉस थीटा क्या आएगा टू माइनस वन प्लस टू और फोर प्लस सिक्स अंड रूट सिक्स और यहाँ पे भी अंडरूट सिक्स ठीक है जी थ्री बाय सिक्स आएगा वन बाय टू आएगा कॉस थीटा की वैल्यू वन बाय टू कब होती है जब थीटा हमारे पास सिक्सटी डिग्री होता है पाई बाय थ्री थीटा हमारे पास पाई बाय थ्री सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है जी एंगल बिटवीन द प्लेन हमने निकाला ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देख लीजिए इसको अच्छी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोजेक्शन the projection of a line segment the projection of a line segment on the coordinate axis on the coordinate axis coordinate axes are 12 4 3 respectively respectively the length of the line segment is लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज अलग क्वेश्चन है ये ऑप्शन बी सी थर्टीन है और डी ऑप्शन फिफ्टीन है देखिए जरा कि प्रोजेक्शन क्या होगी प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ठीक है जी सो so, प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होगी ये जो हमें वैल्यूज कोऑर्डिनेट एक्सिस की दे रखी है उसका लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ठीक है जी प्रोजेक्शन मतलब इमेज निकाल रहे हैं सो so, हम क्या करेंगे ट्वेल्व का स्क्यर फोर का स्केयर और थ्री का स्क्यर सो वन फोटी फोर सिक्सटीन नाइन ट्वेंटी फाइव वन सिक्सटी नाइन बनेगा और थर्टीन आएगा थर्टीन सी इज़ द राइट ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्वेल्व फोर थ्री सो प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या आता है जी ठीक है जी पता चल गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जी बड़े अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन कर रहे हैं देखो हमने एंगल बिटवीन द पढ़ा किसमें प्लेन के बीच में तो कोसाइन ऑफ एंगल बनता है और अगर हमारे पास जैसे ये अभी क्वेश्चन आ रहा है द एंगल बिटवीन द लाइन एक्स माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाय फोर इक्वल टू जेड माइनस फोर बाई फाइव एंड द प्लेन एंड द प्लेन इज टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इजिकल टू फाइव इज देखो अभी मैं इसी के ऊपर बात कर रहा था कि जो एंगल बिटवीन प्लेन और प्लेन के बीच में जो एंगल है वो कॉस बनता है वो साइन ऑफ एंगल ठीक है और अगर हमारे पास लाइन uh, और प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है लाइन और प्लेन के बीच में लाइन और प्लेन के बीच में हमारे पास जो एंगल बनेगा दैट इज़ साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम ठीक है जी किस में बनेगा साइन ऑफ एंगल बनेगा और साइन ऑफ एंगल किस में बनेगा लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ और प्लेन के डायरेक्शन रेशोज यानी कि थ्री फोर फाइव एंड प्लेन के कौन से है टू माइनस टू और वन टू माइनस टू कौन सा एंगल साइन ऑफ थीटा थ्री इंटू टू फोर इंटू माइनस टू फाइव इंटू वन अपॉन अंडर रूट थ्री स्केयर प्लस फोर स्केयर प्लस फाइव स्केयर टू स्केयर प्लस माइनस टू स्केयर प्लस वन स्केयर ठीक है जी मॉड ले लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए सिक्स माइनस एट प्लस फाइव नौ सोलह पच्चीस नौ सोलह सोलह नौ अंडरूड फिफ्टी ठीक है जी अंड्रूड नाइन मॉड ठीक है जी थ्री थ्री बाय फिफ्टी फाइव टेन गया फिफ्टी के फैक्टर और ये ये तो थ्री आ गया और फिफ्टी फाइव 2, टू आ गया थ्री के साथ थ्री कट गया वन बाय फाइव अंड्रो टू आ गया वन अपॉन फाइव अंड्रो टू ठीक है जी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है वन अपॉन फाइव अंडर टू क्या ही और सॉल्व हो सकता है हाँ जी हो सकता है जी इसको अंडर टू के साथ रैशनलाइजेशन कर दो सो अंडर टू अपॉन टेन आ जाएगा अंडर टू अपॉन टेन ऑप्शन है हाँ जी है जी सी ऑप्शन कई बार इस तरह से सम भी हमारा जो है एग्ज़ाम में ख़राब हो जाता है कि हम आगे नहीं सोच पाते है. पेपर का प्रेशर होता है और हम आगे नहीं सोच पाते कि आगे क्या आएगा सो देखना है इसको बड़े ध्यान के साथ ये फाइव है लिखा हुआ ठीक है कन्फ्यूज़ नहीं होना ये फाइव है फाइव अंड्रूट टू और ये थ्री नाइन का अंड्रूट थ्री ठीक है जी एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन आ गया ठीक है अगर ऐसे अंड्रूट आ जाए तो उसको रैशनलाइजेशन मान लीजिए आंसर चारों में से कोई नहीं है तो एक बार इसको रैशनलाइजेशन या फिर से चेक करना बनता है हमारा क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो हमारा बहुत हमें आगे लेके जा सकता है अभी इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन से हमने सो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी वन 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 में से इस एक्स माइनस वन बी वाई माइनस वन सी जेड माइनस वन इजिकल टू ज़ीरो एंड परपेंडिकुलर टू लाइन लाइन क्या है एक्स माइनस वन बाई थ्री वाई माइनस वन बाई ज़ीरो जेड माइनस वन बाई फोर ये इसके परपेंडिकुलर हैं ठीक है जी देयरफॉर uh, ये क्या होंगे ये आपस में प्लेन इज पैरेलल टू प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन लाइन के पैरेलल होगा ए बाई थ्री इज इक्ल टू बी बाई ज़ीरो सी बाई फोर ये इसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे ये यहाँ पे भर देने हैं इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन वन बिकम्स ए की जगह थ्री इंटू एक्स माइनस वन प्लस ज़ीरो इंटू वाई माइनस वन सी की जगह फोर इंटू जेड माइनस वन इजिकल टू ज़ीरो ठीक है जी ये थ्री एक्स माइनस थ्री फोर जेड माइनस फोर इजिकल टू ज़ीरो थ्री एक्स प्लस फोर जेड माइनस सेवन इजिकल टू ज़ीरो हमारे पास बन गई प्लेन की इक्वेशन और क्या निकालना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से फ्रॉम origin जीरो 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 कहाँ तक प्लेन तक ठीक है जी? भर देंगे पॉइंट ये जीरो भरेंगे तो ये जीरो जीरो माइनस सेवन अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सोलह नौ पच्चीस सेवन बाई फाइव जाए ठीक है जी कितना आ जाएगा सेवन 5 फाइव सी ऑप्शन है हमारे पास ठीक है जी समय लग गया होगा ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सो जब हम शॉर्ट ट्रिक में करते हैं तब हम इसको किस तरह से टैकल करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमें ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती हम आते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी जी इसके पैरल लाइन क्या है यहाँ पे आ जाते हैं सीधा ये सॉल्व करते हैं और सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं ठीक है उससे क्या होता है तीन या चार स्टेप में हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है ठीक है सो आप बने रहिए हमारे चैनल इन वेन के साथ मोर वीडियोस हम लेके आएंगे आपके लिए थ्री डमेंशन जो के ऊपर सो लाइक एंड शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थैंक यू वेरी मच